ये मन सोचे हजारों बातें, पर कहे ना कुछ भी बातें, कहना तो अब तुझे, तू सोच ले यहाँ, तू सोच ले। हमारी शादी को 4 साल, और हमें ये भी याद नहीं कि आज हमारी एनिवर्सरी। मुझे भी कहा याद है, वो तो आज भारत गई, उसमें याद दिला। सोचा क्यों ना शाम को तुम्हें डिनर को ले चलूं। तुम बाहर जाकर आओ, हम खाना घर पर ऑर्डर करेंगे, ओके? मैं फ्रेश होता हूँ। रवि, मेरी आज शाम की फ्लाइट है, मुझे टूर पे जाना है। पता है आज क्या हुआ? एक्चुअली रोहित को जाना था इस ट्रिप पर, बट सेम ओल्ड फैमिली प्रॉब्लम लास्ट मिनट पे मना कर दिया। अब इतने शॉर्ट नोटिस पे कौन जाता? मैंने कह दिया मैं जाऊंगी, आने के बाद एक बड़ा प्रमोशन पक्का समझो। पता नहीं लोग अपनी जॉब इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं। लोग अपनी जॉब को लाइटली नहीं लेते, अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब कब तक चलेगा ये सब? और कितना ऊपर जाना चाहती है? ऊंचाई की लिमिट थोड़ी। यही कि लोग अपनी फैमिली और जॉब को बराबर का इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में फैमिली है का? देखो प्रियंका, बस बहुत हो गया, अब थोड़ा ध्यान अपने परिवार की तरफ, अपने अपने घर की तरफ। ये घर मेरी सैलरी से चल सकता है? अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। देखो घर की हालत देखो प्रियंका, एक मेड इस घर को अच्छे से नहीं संभाल सकती जितना कि तुम अच्छे से संभाल सकते। तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए नौकरी से ब्रेक ले, नौकरी तो तुम कभी भी ज्वाइन कर सकती। आई न्यू इट, मुझे पता था ये नौबत आने वाली है। याद है तुमने क्या कहा था? मैं औरों की तरह नहीं हूँ, पर मैं भी उन बातों में आ गई। अब क्या हुआ? देखो प्रियंका, मैंने कभी तुम्हें किसी बात पे मजबूर नहीं किया। मैंने कभी तुमसे कोई ऐसा काम नहीं करवाया जिसे तुम नहीं चाहती। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारा थोड़ा समय मिले, तुम मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताओ। और मेरा भी मन करता है कि मुझे भी पापा कहने वाला इस घर में हो। मॉम डैड से क्या कहूँ कि उनका पोता पोती कब आएंगे मुझे नहीं पता। तो अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे अरमानों की और तुम्हारे मॉम डैड के सपनों की बलि चढ़ जाऊं? जिस नौकरी को मैंने अपने मेहनत की पसली से सींचा है, फल खाने का समय तो छोड़ दूं? तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। इसका क्या मतलब निकालूंगा? बात साफ है, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने सपने देखे, ये तुम्हारी गलती है। और बाय द वे, घर अगर ठीक से नहीं रहता तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने कितना समय दिया घर के लिए, तुम क्यों मेरी नौकरी छोड़ के बैठ जाते हैं? घर तो मेरे सारे से भी चल सकते हैं, बल्कि ज्यादा अच्छी तरह से चल सकता है, तुमसे ज्यादा जो है। लेकिन तुम क्यों नौकरी छोड़ के बैठोगे? आदमी जो ठहरे एंड वी आर लिविंग अ ब्लडी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। जिनका सक्सेस तुम्हारे दिमाग पर इतनी बुरी तरह से छिड़ चुकी है, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम बोल क्या रहे हो? या फिर मैंने फैमिली की बात की, बच्चे की बात की। देखो रवि, बच्चे पैदा करने में मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। बच्चे खिलाने का इतने शौक है ना, फिर कड़ाव क्यों नहीं कर देते? एक बेचारे बेगर को घर भी मिल जाएगा। वेरी गुड, तो तुम्हारे लिए शादी सिर्फ एक समझौता था जिसमें ड्यूटीज निभाने के लिए तुम तैयार नहीं। मेरे अरमानों मेरे सपनों की तुम्हारी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी नौकरी इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। ओके यू बी सो मीन, तुम क्या कहना चाहती हो? मैंने तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया था। देखो तुम बात को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो और क्या मतलब निकालू मैं इस बात का? तुमसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहती। प्रियंका, प्रियंका मेरी बात तो सुनो। देखो मुझे नहीं लगता इस बात का कोई मतलब निकलने वाला है। तुम मैं ये सोचना कि गलती किसकी थी, मैं जा रही थी। तुम खुद सही आई बात।
ख्वाब हैं मिले बात बनी है यहाँ पे, या फिर कभी ये जिंदगी के रास्ते टेढ़े मेढ़े यहाँ पे मिला हुआ जो वक्त था हसीन था माना, मगर इसे तो जाना है वही पे अनचाही बे वक्त मुश्किलों का पल फिर तो आ ही जाना है, फिर तो आ ही जाना। प्रियंका 3 साल हो गए हमारी शादी को, हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। देखो नवीन, मैं बार बार एक ही बात को लेकर बहस नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब दूँ? वो तुम्हारा लुकआउट है। तुमने ठीक कहा, घर के लिए मैं नौकरी क्यों नहीं छोड़ सकता, सो आई हैव डिसाइडेड, मैंने नौकरी छोड़ दी। भाई घर तो तुम्हारे पैसे से चली जाएगा, इतने दिनों से और क्या कर रहा था, सोच ही तो रहा था। आज से तुम घर का खाना लेकर जाओ। पानी हाजिर।